दोस्तों, सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसका नाम है करौंदा। करौंदा गोल गोल तरह के फल होते हैं, थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं, और इसको जो है अचार बनाने के लिए मोस्टली काम में लाया जाता है। इस पौधे को लगभग 2.5 साल पहले मैंने ला कर के नर्सरी से लगाया था, तो उस समय इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, ना तो फ्लावरिंग हो रही थी और ना ही इसमें फल वगैरह कुछ आ रहे थे। लगभग 1 साल तक ये पौधा जो है कॉमन जो पेड़ की बाल्टी है उसी में लगा रहा, और 1 साल के बाद मैंने जो है इसको इस बड़े से पॉट में रिपोर्ट कर दिया। ये जो दोस्तों पॉट देख रही हैं, तो ये बड़ा सा टब जो है मैंने कबाड़ी से लिया था, जो गली में आते हैं इस तरह से, जो है अलग अलग घरों से इस तरह के कबाड़ इकट्ठा करके लाते हैं। तली थोड़ी सी इसकी फटी हुई थी, तो ये जो है मुझे 25 रुपये का उनसे मिल गया था, और उसके बाद मैंने इस पौधे को इसी में ही रिपोर्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो नीचे से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से पौधा जो है कितना मोटा हो चुका है, और इसके जो ब्रांच है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। थोड़ा सा कटीला पौधा ज़रूर होता है ये, लेकिन बहुत अच्छे से स्टे करता है, इससे चाहे धूप हो, बारिश हो, किसी भी तरह का मौसम हो, हर मौसम में ये जो पौधा है पूरी तरह से बना हुआ रहता है। दोस्तों, काफ़ी दिनों तक इसमें फूल नहीं आ रहे थे, तो एक बार तो मन हुआ कि इस पौधे को हटा दे, लेकिन पिछले साल कुछ फूल और फल जो है मुझे दिखाई दे गए थे, और इस साल जो है इसमें भरपूर मात्रा में फूल मुझे देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने इसमें एक काम किया था, और हो सकता है कि उसी का ही ये जो रिज़ल्ट है वो मुझे मिला है, और वो जो है आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर अभी भी पॉट आपको काफ़ी जो है इस तरीके का लग रहा है कि ऊपर से, तो ये कुछ नहीं दोस्तों, ये किचन वेस्ट है जो मैं ड्रम में हमेशा भिगो करके रखता हूँ किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो लिक्विड तो मैं बीच बीच में इसमें देता ही था, उसके बाद जो है दोस्तों पूरा ड्रम इस किचन वेस्ट से भर गया था, तो उसमें जो भी था वो सारा किचन वेस्ट मैंने इसी के अंदर डाल दिया ऊपर से, और डालने के बाद हल्की हल्की निराई गुड़ाई की थी, बहुत ज़्यादा नहीं की, तभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भी है अभी भी किचन वेस्ट इसमें लगा हुआ है, तो इन्हीं को ही जो है मैंने इसमें डाला था। और दोस्तों, इन्हीं किचन वेस्ट से ही जो है ये जो हल्के फुल्के पौधे हैं ये उग करके आ रहे हैं वेस्ट, तो इन चीज़ों को अब बारी है हटाने की दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें फिर नुकसान करती है पौधे की जो एनर्जी है ये ले लेती है। इस समय इसमें पानी का भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पौधा छत पर रखा हुआ है, तो पानी भी बीच बीच में इसमें देते रहना है। डेली जो है इसमें पानी की इस समय ज़रूरत है, पूरे खुले धूप की इसको ज़रूरत है। इसको शुरू में जब मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी तो इसमें जो है लगभग 30% वर्मी कंपोस्ट लिया था, और इसके अलावा थोड़ा सा जो किचन वेस्ट है उसका भी यूज़ किया था, और बाकी का जो है मिट्टी और लगभग 10% रेता इसमें मिलाया था, और तब इसको लगाया था। और उसके बाद से लगातार मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का बीच बीच में यूज़ करता गया, कभी केले के छिलके का, तो कभी सरसों की खली का, कभी सब्जियों के छिलके का, तो पौधा बढ़ तो रहा था, ग्रोथ भी हो रही थी, लेकिन इसकी मैं बीच बीच में प्रूनिंग कर दे रहा था, जिसका रिज़ल्ट है कि इतने सारे जो ब्रांचेज है वो निकल करके आए। प्रूनिंग जो है बारिश के बाद जो है उसमें मैं करता था, या बारिश के सीज़न में भी कई बार मैंने इसकी प्रूनिंग की, तो उसमें जो है काफ़ी अच्छा पौधे ने फिर शेप लेना शुरू कर दिया। अब इसमें दोस्तों ऐसे तो जो बीमारी है वो मुझे कभी नज़र नहीं आई, क्योंकि ऐसे भी मैं बीच बीच में कभी कभार स्प्रे जो है करता रहता हूँ, तो जब दूसरे पौधे में स्प्रे करता हूँ तो इसको भी एक बार कर देता हूँ, बाकी दूसरे पौधों में कई बार बीमारी या कीड़े नज़र आते हैं, लेकिन इस पौधे में आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया।
इसमें इस समय कुछ जो है स्प्रे करना इस समय बहुत ही घातक होगा। इस समय जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें फूल भरा हुआ है। कुछ लोग फूल देख करके दोस्तों सोचते हैं कि कीड़ों से बचाने के लिए इसमें जो है कुछ स्प्रे कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी भूल होती है। जब भी किसी प्लांट में फूल आते हैं तो उसके ऊपर से कभी भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, ऐसे में वो फूल जो है झड़ जाती हैं और इतने दिन का जो इंतज़ार है कि फूल आएंगे और फिर उससे फल बनेंगे तो वो काफ़ी जो है ख़राब लगता है जब इस तरह से जो है फूल झड़ जाते हैं और वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। फूल आने से पहले पहले आप मिराकुलान का स्प्रे कर सकती हैं, बोरोन का स्प्रे कर सकती हैं, इससे फूल जो है नहीं झड़ते। और जब फूल जो है फल में कन्वर्ट होने लगे, छोटे छोटे मटर के दाने जितने फल आ जाए, तो उस समय भी आप मिराकुलान का स्प्रे कर सकते हैं या बोरोन का स्प्रे अपने पौधों में कर सकते हैं, इससे जो फल है वो टूट करके नहीं गिरते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो किचन वेस्ट है ये तो दिया ही हुआ है, बाकी इसको थोड़ा सा मैं अब निराई गुड़ाई भी कर दूंगा ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर चली आए और ऊपर का ये जो किचन वेस्ट है वो नीचे चला जाए। बीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से मैंने कुछ जो है इस तरह का निराई गुड़ाई नहीं किया था ज़्यादा, तो अब जो है इसको करूँगा। और इसमें जो है लगातार अब लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहने की ज़रूरत है, तो इसमें केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय काफ़ी काम करेगा। जो पोटाश युक्त जो भी आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है या खाद है उसको आप दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो इस पौधे के लिए सबसे अच्छा खाद है वो है वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट अगर आपने नहीं डाला है तो इस समय जो है डाल सकते हैं, इस तरह का अगर पौधा आपके पास पॉट में लगा हुआ है। और अगर मैं इस पॉट के साइज़ की बात करूं तो ये काफ़ी बड़ा पॉट है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अगर मैं 12-12 इंच के पॉट रखूँ तब भी इसमें 3-4 पॉट जो है आराम आराम से जो है आ जाएंगे, तो ये काफ़ी स्पेस जो है इसने ले लिया है, बड़ा सा टब है ये और इसी के अंदर ये पौधा जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। दोस्तों एक काम और कर सकते हैं, इस तरह के अगर आपके पौधे हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं तो जो भी आपके सब्जियों के छिलके हैं तो थोड़ा सा धूप में डाल करके उनको आप सुखा सकते हैं एक दो दिन, और सुखाने के बाद इसमें जो ये मिट्टी है इसके नीचे दबा सकते हैं, तो उससे जो है मिट्टी के नीचे नीचे वो खाद बन जाएगी, वो सड़ जाएगा। और ये काम दोस्तों आपको बड़े पॉट में ही करना है, छोटे पॉट में दिक्कत होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेस काफ़ी सारा है, तो इसमें केले के छिलके या जो भी सब्जियों के छिलके हैं वो आराम से चारों ओर से जो है मिट्टी को खोद करके नीचे डाला जा सकता है। लेकिन कुछ भी डालेंगे तो उसको थोड़ा सा सुखा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गीले में ही फंगस लगने का डर बना हुआ रहता है। उम्मीद है दोस्तों करौंदे के पौधे के बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया।